हम इस समय बरहज विधानसभा में मौजूद हैं और सातवें चरण का मतदान यहाँ हो रहा है। बरहज का ये जो आदर्श मतदान केंद्र है, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार जूम करके दिखाएं कि ये जो आदर्श मतदान केंद्र है, बरहज का एक सबसे बेहतर मतदान केंद्र माना जा रहा है। वहीं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कि ये लोग किन मुद्दे पे वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? विकास मदेसिया, यहाँ के हमारे सदस्य हैं, वार्ड नंबर 6 जयनगर पूर्वी है जी, यहाँ के हम सभासद हैं। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यहाँ की जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसको देखते हुए हम तो अपना जो व्यक्तिगत वोट है कांग्रेस को करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को? जी कांग्रेस को करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ और कुछ लोग हैं, एक दादा हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस मुद्दे पे वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। अच्छे लाल जी, ये बताइए किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं यहाँ पे? जयनगर। नहीं, मुद्दा क्या है आपका? बेरोजगारी मुद्दा है या सरकार जो प्रेजेंट में जो सरकार है भाजपा सरकार, उससे खुश है या ना खुश है? खुश है। खुश है, बिल्कुल। एक युवा है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गोलू जसवाल। अच्छा, क्या मुद्दा है वोट करने का, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? सरकार से हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सरकार अच्छा है। अच्छा, सरकार यहाँ अच्छा? का सांसद नहीं सही लग रहा। अच्छा, सांसद यहाँ के नहीं सही है। हाँ। क्या दिक्कत क्या है सांसद में? एक भी बार इधर आते नहीं है। अच्छा, कमलेश पासवान जो सांसद, वो कभी आते नहीं? नहीं आते, इसीलिए हम कांग्रेस को यहाँ से वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? किशन लाल। किशन लाल जी, ये बताइए कि मुद्दा क्या है आपका वोट करने का? हमारा ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मोदी ने अच्छा काम किया है और सब दिन करे। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसी मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? हाँ। आइए, यहाँ एक अध्यापक है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। क्या नाम है आपका? जय नारायण तिवारी नाम है जी। और इस आदर्श मतदान केंद्र के हम प्रधान अध्यापक भी हैं इस विद्यालय के। और विद्यालय हमारा लग रहा है कि लगभग पूरे जिले में सबसे मॉडल बूथ के रूप में सज धज के तैयार भी है। लोग काफी उत्साहित हैं, मतदान कर रहे हैं। नए जितने भी मतदाता हैं उनके अंदर भी काफी उत्साह है कि वो पहली बार मतदान किए हैं। अभी आप लोगों के सामने कई ऐसी लोग औरतें आई हैं जो वेंटिलेशन से आई हैं, अभी वोट डालने गई हैं। तो लोगों के अंदर इस बार कुछ है, अलग है, अलग कुछ है। और कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश सिंह। क्या स्थिति है इस बूथ की अभी बात करें तो? बहुत बढ़िया, शांतिप्रिय मतदान हो रहा है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मुद्दा क्या है? और मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, मतलब महंगाई ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ हैं वो बता रहे हैं कि महंगाई यहाँ कम है और मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं, कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा है। जी जी, और महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई को लेकर आप वोट कर रहे हैं। चलिए, यहाँ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एक युवा है, ये किस मुद्दे पे वोट करने हैं? क्या नाम है आपका? लव कुमार सोनकर, मैं सभासद हूँ वर्तमान। सभासद जी हैं ये? जी जी। तो मुद्दा क्या होगा आपका वोट करने का? मुद्दा तो बहुत है, अब मैं क्या बताऊँ। अब बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी है, मान लीजिए संविधान बचाओ की बात विपक्ष कर रहा है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, काफी लोग परेशान है, गरीब तबके के जो है बहुत सारी समस्या है। हाँ, इसी समस्या को लेके आप वोट करने आए? जी जी जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ जो लोकल सांसद हैं, यानी कि कमलेश पासवान तीसरी बार चौथी बार यानी सांसद के प्रत्याशी हैं, तो उनको लेके काफी विरोध यहाँ देखा जा रहा है। ऐसे में ये लग रहा है कि यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कमलेश पासवान, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जो एनडीए के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, तो उनका कहीं ना कहीं पलड़ा यहाँ भारी देखने को मिल रहा है। देवरिया से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन उदय प्रताप के साथ विशाल चौबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।